गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ ये 30 ट्रेडिशनल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ अपने फेस को प्रेप करने से। तो मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का ये रोजिप सीरम। इसे मैं अच्छे से अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। सो मैं ये अप्लाई करना ज़्यादा सही समझती हूँ अपने स्किन पे। एंड देन मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है। एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे लिया है निव्या का ये क्रीम। एंड ये एक थिक मॉइस्चराइज़र है। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तभी ये आप अप्लाई करें, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर। एंड इसे मैं अच्छे से अपने टी जोन एरियाज पे अप्लाई कर लूँगी। एंड देन अपने फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी मैं। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फिट मी का फाउंडेशन। ये मैट फाउंडेशन है एंड मेरा शेड है 128। सो इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड ऑल्सो माई नेक एरियाज। एंड देन मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं अपने फेस पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड आप देख सकते हो मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप किया है एंड मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने अच्छे से जो भी ऑयल प्रोडक्ट है मैंने अच्छे से अप्लाई किया है। सो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। एंड जो मेरी फाउंडेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है। सो आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करें गाइस। सो कंसीलर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ सिस ब्यूटी का ये कंसीलर एंड इसे मैं अच्छे से अपने ये हाइलाइटिंग एरियाज पे लगा लूँगी, जैसे कि अंडर ऑफ द माई आईज, ब्रिज ऑफ द नोज एंड फोरहेड, अराउंड माई माउथ। सो मैं सारे एरियाज पे अच्छे से लगा लूँगी। देन मैंने एक स्मॉल स्पंज लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो सो स्मॉल स्पंज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेंड करने में, जैसे आपके अंडर आइज हो गए, नोज एरियाज हो गए। सो इस एरियाज को ब्लेंड करने में बहुत हेल्प करता है। देन मैंने यहाँ पे मेकअप रिलेशन का ये लग्जरी पाउडर लिया है एंड इसे मैं अपने अंडर आइज को एंड अपने फोरहेड को, मीन्स जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। मैं थोड़ा सा बेक कर रही हूँ इन एरियाज को क्योंकि थोड़ा सा स्वेटिंग होती है तो वो ज़्यादा पैची पैची सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता इस वजह से। देन मैंने यहाँ पे NYB का ये कॉन्टूर स्टिक लिया है एंड मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टूर करूँगी। एंड जब आप कॉन्टूर करना सीख जाएंगे एंड आप कॉन्टूर करने लगेंगे तो आपको कॉन्टूर लगेगा मैं कर लूँ, मतलब आपको क्या, आप यूज्ड टू हो जाओगे कॉन्टूर के। जब मैं भी नहीं करती थी तो मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता था और मुझे आता नहीं था तो मुझे डर भी लगता था, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मुझे लगता है कि हाँ ये तो भाई करना चाहिए। सो मैं करती हूँ। सो मैं इसे अच्छे से आप देख रहे हो ब्लेंड कर रही हूँ एंड मैंने अपवर्ड मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। अपने नोज को भी अच्छे से कॉन्टूर कर लूँगी। मैंने सारे पाउडर को डस्ट ऑफ कर लिया है एंड पहले तो मैं क्रीम कॉन्टूर करती भी नहीं थी, मुझे बहुत डर लगता है, लगता था एंड कुछ टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे अच्छा लगता है। सो मैंने जो अपने चिक्स पे कॉन्टूर किया था मैं उसे हल्का सा शार्प शेप दे रही हूँ ताकि वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। सो इसलिए देख लो कितना शार्प सा ये लगता है देखने में, कितना अमेजिंग लगता है। सो अब मैं अपने कॉन्टूर को हल्का सा सेट कर ले रही हूँ क्योंकि ये क्रीम कॉन्टूर था इस वजह से। देन मैं अपने आईलेट पे लगा रही हूँ कंसीलर सेम सिस ब्यूटी का ताकि जो मेरे कलर्स है वो अच्छे से उभर के दिखें। तो इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। हम इसे पाउडर से सेट भी करेंगे। देन मैं SFR का ये कलर कॉन्टूर एंड ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ एंड इसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है एंड इसे मैं अपने क्रीज पे एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो
एंड गाइज लाइट उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कलर का जो एक्चुअल कलर है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का टाइम चल रहा है, तो धूप वगैरह अच्छे से नहीं निकलती है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट मैंने सिस ब्यूटी विंग की पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड लिया है, इसे मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैंने 20 समथिंग पैलेट से ये पिंक शेड लिया है एंड इसे मैं अपने हाफ ऑफ द आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे अच्छे से प्लेस करना है इस वजह से, एंड देन मैं इसके एजेस को क्लीन कर ले रही हूँ। एंड जो ये पिंक शेड है ये भी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बट लाइट की वजह से ये अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, इसका कलर उतने अच्छे से नहीं आ पा रहा है, बट एक्चुअल में मुझे दिख रहा है इसकी कलर पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मैं सेम पिंक शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ एंड देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। देन मैंने ये पिंकिस्ट हाइलाइटर शेड लिया है 20 समथिंग पैलेट से, ऐसे मैं अपने मिडिल ऑफ द आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने ब्राउन शेड लिया है एंड अपने लोअर लैश लाइन के बहुत ही क्लोज अप्लाई कर रही हूँ। सो अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर। सो मैंने लिया है ये स्ट्रेट करके का लाइनर एंड मैं ज़्यादा का लाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा थिन सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड मैं कोई विंग भी ड्रॉ नहीं कर रही। सो या दैट्स इट। सो अब मैं यूज़ करूँगी काजल। काजल के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का काजल लिया है एंड ये काजल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन गाइस बहुत ही अमेजिंग है, आप एक स्ट्रोक में बहुत ही अच्छा कलर पिगमेंटेशन आपको मिल जाता है। मस्कारा के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लोटस का मस्कारा एंड इसे मैं अपने लैसेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड ये मस्कारा भी मुझे पसंद है, मतलब आपके पास होने चाहिए, अगर आप बिगनर्स हो, आप कोई नॉर्मल सा अच्छा सा बजट में मस्कारा ढूंढ रहे हो तो आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हो। देन हम फिलिंग करेंगे अपने आईब्रो को। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे माल्याओं का आईब्रो पैलेट लिया है एंड मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। या देन हम अप्लाई करेंगे ब्लश। सो मैंने सेम SFR पैलेट से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए भी मैंने सेम SFR पैलेट से हाइलाइटर शेड लिया है एंड इसकी हाइलाइटर भी बहुत ही अमेजिंग है गाइज, आप देख सकते हो बिल्कुल चंकी नहीं लगता है, बहुत ही शाइनी सा ग्लॉसी सा इफेक्ट देता है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पिक्स डाले हैं विदाउट फिल्टर, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, मैं स्टोरीज़ भी डालती हूँ विदाउट फिल्टर, मतलब आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ सिमरी सा नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा ये हाइलाइटर मुझे लगता है। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ करो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है एंड मैं हैंडल भी यहाँ पर डाल दूँगी तो आप चेक कर सकते हो। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रे करकी के मिनी लिपस्टिक सेट से ये पिंक शेड। सो या गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना प्रिटी लुक लग रहा है एंड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है मेरा हेयर स्टाइल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ऐसा कुछ डिफरेंट सा हेयर स्टाइल एंड आई लव इट। एंड मैंने यहाँ पे चूड़ा भी पहना, ये मेरी शादी का चूड़ा है, मैंने शादी के बाद कभी नहीं पहना क्योंकि हमारे यहाँ चूड़ा नहीं चलता, बट फिर भी मैंने वीडियो में पहन लिया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली चूड़ा बहुत पसंद है। या गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये लुक कैसा लगा एंड आप प्लीज़ में ज़रूर इस लुक को कैरी करें, वेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो या गाइस, दैट्स ऑल।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।